ये मैंने डार्क प्लेस बनाई है और मैं नीचे लाइट सा इफेक्ट दूँगी, ठीक है, और ऊपर डार्क। डार्क के लिए मैं पेंसिल को इस तरह से ऊपर प्रेस करती रहूँगी और ये चीज़ जो है वो डार्क हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि मैं इसको करीब दिखाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने इस जगह को डार्क रखा है, ठीक है। यहाँ मैं एक तरफ बनाऊंगी। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसका ये जो तना है नीचे से मैंने इसको डार्क रखा है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है मैंने इसको लाइट कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसका रिफ्लेक्ट करूंगी कुछ इस तरह से वाटर में इसका। ये इसका रिफ्लेक्ट है, थोड़ा सा इसको रब कर देंगे। ओके, ये इसका रिफ्लेक्ट। उसी तरह से जिस तरह से मैंने ऊपर की तरफ बनाया, आप मैं यहाँ पर इसकी कुछ टहनियाँ बनाऊंगी इस तरह से बारीक बारीक। क्योंकि ये दूर की है इसलिए मैं इनको लाइट रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कर्व टाइप बनाते जाएंगे। जैसे जैसे मैं करीब आ रही हूँ, नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो मैं पेंसिल को ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ और थोड़ी डार्क सी जो है वो टहनियाँ बना रही हूँ, ठीक है, इस ठीक है, ताकि ये नज़र आए। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है ये लाइट हो रही है, ठीक है, और जो नीचे वाली हैं वो डार्क हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी टहनियाँ बना सकते हैं, उसकी शाखें बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। बारीक बारीक से इस तरह से मैंने इसकी बारीक बारीक से शाखें बना दी है, और भी काफ़ी सारी इस तरह से बना सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने हल्का हल्का सा इस पर राउंड शेप में, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर एक शेप में आ जाए। यहाँ पर आप डार्क भी करते हैं, डार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं करीब दिखाना चाह रही हूँ और ये मैं दूर दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लाइट सा करूँगी राउंड शेप में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट में इस तरह से शेडिंग दूँगी, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं इसको वैसे ही अपनी फिंगर के साथ ब्लेंडिंग करूंगी इसकी, ठीक है।
के। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ पे किस तरह से लाइट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी मैं थोड़ा इफेक्ट देना चाहती हूँ तो मैं लाइट सा इफेक्ट दे दूँगी। ठीक है, ओके। अब मैं इसको अपनी फिंगर के साथ ही इस तरह से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, और इधर भी इसी तरह से, ये देखिए। अब मैं इसको अगर आप डार्क करना चाहें नीचे वाली जगह को मैं डार्क करूँ तो वाली को लाइट, और इसको इसकी शेप जो है वो इस तरह से वापस, और यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूँगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी डक बना रही हूँ। ठीक है, और इसी तरह मुझे रिफ्लेक्ट भी दे रही हूँ लाइट से। ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट उसको दे दिया। और एक यहाँ पर इसी तरह से आपने रिफ्लेक्ट दे देना। ठीक है, अब बाकी जब मैं इस तरह से कुछ शेड देने चाह रही हूँ उसके लिए मैं पेंसिल को इस तरह से इस शेप में लॉन्ग शेप में और इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी अपनी फिंगर के साथ ही। आप इस तरह से इसके थ्रू भी ब्लेंडिंग जो है वो कर सकते हैं। टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फोम है वो लिया है, उसका छोटा सा पीस, और उसके साथ ये देखिए अच्छी तरह से आपने जहाँ जहाँ पे मैंने शेडिंग दी थी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से ग्रास दिखाना चाह रही हूँ तो ग्रास हमें बर्ड्स दिखाना चाह रही हूँ, बर्ड्स ले लूँ। अगर मैं कोई पास का दिखाना चाह रही हूँ तो मैं उसको बड़ा बनाऊंगी बर्ड और डार्क। ठीक है, और जो दूर के थे उनको मैंने स्मॉल रखा है और लाइट बनाया है। ठीक है, होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।